हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। सैक्रेड कॉम्प्लेक्स, जिसे हिंदी में हम पवित्र संकुल कहते हैं, एलपी विद्यार्थी का दिया एक ये कंसेप्ट है। एंड एलपी विद्यार्थी रॉबर्ट रेडफील्ड के लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन से काफ़ी प्रभावित थे, और इसी आधार पर उन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया सेक्रेट कॉम्प्लेक्स यानी पवित्र संकुल। भारतीय मानव विज्ञान में हिंदू सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर सबसे पहले डॉक्टर एलपी विद्यार्थी ने भारतीय तीर्थों को एक इकाई मानकर सेक्रेट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा का विकास किया। सेक्रेट कॉम्प्लेक्स यानी पवित्र संकुल। डॉक्टर एलपी विद्यार्थी रॉबर्ट रेडफील्ड में शिकागो विश्वविद्यालय में उन्हीं के अंडर में वो पीएचडी कंप्लीट किए थे। रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन मैरियट इनके अंडर में, एंड वो रॉबर्ट रेडफील्ड के ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन से काफ़ी वो प्रभावित थे। रॉबर्ट रेडफील्ड की सभ्यता संबंधी विचारधारा जो थी उसे वो काफ़ी प्रभावित होने के कारण उन्होंने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स का अवधारणा दिया था। प्रोफेसर विद्यार्थी ने भारतीय तीर्थों का अध्ययन करने के बाद, मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से अध्ययन करने के बाद एक विचारधारा को जान दिया। भारत में किसी भी तीर्थ में तीन बातों की प्रधानता पाई जाती है। इसी आधार पर उन्होंने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सेक्रेट ज्योग्राफी, नेक्स्ट है सेक्रेट प्रैक्टिसेस, एंड नेक्स्ट है सेक्रेट स्पेशलिस्ट। सेक्रेट ज्योग्राफी यानी कि पवित्र भूगोल, एंड सेक्रेट प्रैक्टिसेस यानी कि जो हमारी पवित्र प्रथाएं जो होती है, रीति रिवाज, एंड नेक्स्ट है सेक्रेट स्पेशलिस्ट यानी पवित्र विशेषज्ञ, यानी कि जो आप पूजा पाठ आपका अच्छा से करवा दें, जैसे पंडित पुरोहित जो स्पेशलिस्ट होते हैं पूजा पाठ के फील्ड में। तो एलपी विद्यार्थी ने इन तीन बातों को कहा है कि ये तीन बात थी इम्पॉर्टेंट होती है सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के फील्ड में। तीर्थ स्थान का एक निश्चित पवित्र भूभाग होता है। तीर्थ स्थान पर के जाने वाला जो कर्मकांड होता है, वो विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो तीर्थ स्थान में पूजा पाठ करने वाले पंडित हो या पंडा हो या पुजारी हो, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब बातें हिंदू तीर्थों का एक अखिल भारतीय स्वरूप है, जहाँ पर हिंदू चाहता है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार पवित्र धाम, मठ, तीर्थ, मंदिर आदि में जाकर पुण्य अर्जित करे, जितना वो पुण्य कमा सकता है, और मनुष्य के धार्मिक व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए तीर्थ स्थल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तीर्थ होता है वहाँ तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए बाजार केंद्र भी क्रम विकसित होता है। अगर आप कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ आसपास देखिएगा कि अच्छा खासा मेला लगा हुआ होता है, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे सामान भी मार्केट में आपके लिए अवेलेबल होता है जो आप खरीदते हैं। इसलिए तीर्थों में जो यात्रीगण आते हैं पूजा पाठ की सामग्री के अलावा वो कुछ अन्य वस्तुओं को भी खरीदते हैं। इस दृष्टिकोण से इसके स्वभाव का जो अपवित्र स्वभाव है उसका अवलोकन किया जाता है। इस तरह से मनुष्य की सेक्रेट सेकुलर अवधारणा का अध्ययन भारतीय तीर्थस्थलों पर बहुत ही रोचक और संयोजित ढंग से हो जाता है। इसका श्रेय डॉक्टर एलपी विद्यार्थी को जाता है, जिन्होंने 1961 में सर्वप्रथम गया तीर्थ का अध्ययन किया। इस अध्ययन के बाद ही उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, द सेक्रेट कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। तो रॉबर्ट रेडफील्ड से इंस्पायर होकर सबसे पहले उन्होंने गया में जो स्टडी किया उसी से इनका एक नया कंसेप्ट आया सेक्रेट कॉम्प्लेक्स का।
तो गया तीर्थ का अध्ययन ये सर्वप्रथम अध्ययन माना जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यहाँ इंडिया में। इसके बाद इस सिद्धांतिक अवधारणा पर महत्वपूर्ण शोध डॉक्टर माखन झा ने 1971 में किया था, और फिर माखन झा ने 1978 में काशी में भी किया था, प्राचीन मिथिला राजधानी जनकपुर पर किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से जनकपुर नेपाल में है करंट में, लेकिन पौराणिक जितनी भी कथाएं उसके अनुसार जनकपुर वो एक कधा रहा है सीता माता का, स्वयंवर का, राम सीता का विवाह का, और प्रसिद्ध जनकवंशी राजाओं के गौरवशाल इतिहास से ही रिलेटेड है। इसलिए यह स्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण स्थान स्थान बन जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। जनकवंशी राजाओं के कारण यह स्थान काफ़ी गौरवशाली इतिहास रखता है और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इस स्थान का, कि भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के हिंदू यात्री यहाँ पे आते हैं। इसलिए ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल को मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है। इस स्टडी के बाद डॉक्टर माखन झा MP में ही वहीं पर जनकवंशी राजाओं की राजधानी रतनपुर का भी उन्होंने स्टडी किया, एंड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राचीन हिंदू राजधानी कालांतर में हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया, और भारतीय तीर्थों में यात्रियों का सम्मिश्रण जाति संप्रदाय आर्थिक विषमताओं से रहित होता है। ये सब उन्होंने अपने स्टडी में पाया। इस संदर्भ में प्रोफेसर विद्यार्थी डॉक्टर सरस्वती डॉक्टर माखन झा महान ऐतिहासिक काशी तीर्थ का अध्ययन 1978 में किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस प्रयास माना जाता है काशी के अध्ययन से, या माना जाता है कि भारतीय तीर्थ की भौगोलिक स्थिति कैसे समय अनुसार बदलता गया है, यानी समय समय पर यहाँ का जो भी तीर्थ स्थल है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें क्या क्या चेंजिंग आया है, इसी स्टडी में लोगों ने पाया। समय समय पे जाति देवी देवताओं का उत्थान और पतन भी होता रहा है। इस संदर्भ में काशी के विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टर सरस्वती का शोध कार्य बहुत ही उल्लेखनीय है माना जाता है, जिसमें उन्होंने कुछ आधुनिक अवधारणा के आधार पर शास्त्रीय नैतिक बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं बातें हैं जो अपनी पुस्तक में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। तो गाइज सैक्रेड कॉम्प्लेक्स जिसका मीनिंग होता है पवित्र संकुल, और इंडिया में सबसे पहले LP विद्यार्थी ने इस पे रिसर्च किया, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड और मैके मैजेट के स्टूडेंट रह चुके हैं रहे थे, उन्होंने PhD उनके अंडर में किया था, और रॉबर्ट रेडफील्ड लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन से काफ़ी वो प्रभावित थे, और फिर इंडिया में आकर उन्होंने गया में जाकर सैक्रेड कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे उन्होंने काम किया, यानी अवधारणा को जन्म दिया। और उन्होंने कहा कि जो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करना चाहिए। एक है सैक्रेड ज्योग्राफी यानी पवित्र भूगोल के कहाँ पे वो पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर है, जगह है, एंड नेक्स्ट है सैक्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि जो पवित्र प्रथा होती है, जो कल्चर होता है, जो कस्टम्स होता है, जो रिचुअल्स होता है कि किस तरह से कर्म कांड किया जाता है, एंड नेक्स्ट है सेक्रेट स्पेशलिस्ट यानी पवित्र विशेषज्ञ यानी कि जो पूजा पाठ करवा रहे हैं वो पंडित या पंडा व पुजारी वो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। एंड LP विद्यार्थी के अलावा प्रोफेसर माखन झा डॉक्टर करुणा शंकर पांडे ऐसे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्टडी किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो में सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, द सेक्रेट कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया, जो कि LP विद्यार्थी के द्वारा लिखी हुई बुक है, एंड इसमें ही उन्होंने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया सेक्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।